मॉर्निंग में मैं हूँ आपके साथ और आज की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेहद मज़े की होती है। तो रमज़ान स्पेशल में बनाएंगे, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन थ्रेड्स। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही देखने में खूबसूरत होते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली है चिकन, और चिकन को मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है। एक अदद ले लिया है अंडा, और इसमें डालेंगे हम बिल्कुल बेसिक से मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, इसमें नमक डालेंगे हसबे जायका, ये मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर हल्दी, 1/2 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर मैं काली मिर्च पिसी हुई, वाइट पेपर डालूंगी तकरीबन बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर, 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर ये गार्लिक का पाउडर। अगर ये ना हो आपके पास तो जो नॉर्मल लहसुन अदरक का पेस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर ओरिगैनो, और पेपरिका पाउडर डालूंगी इसके अंदर 2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर ये लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टेबल स्पून डालूंगी इसके अंदर चिकन पाउडर। ये मेरा स्पून छोटा है इसलिए मैं 2 डालूंगी, और 2 चुटकी के बराबर डालूंगी इसके अंदर फूड कलर, ये जो रेड फूड कलर होता है वो। और अब इसमें डाल दूंगी मैं ये अंडा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। स्पाइस लेवल आप इसके अंदर अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इस तरह मिला लेंगे और इसको बस 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है ये समोसों की जो ये पट्टियाँ होती हैं, तो इससे हमने थ्रेड बनाने हैं। तो ये मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी वो ले ली है, और ये मैंने एक पैकेट लिया है पूरा। तो इसको जो है हम पहले अलग अलग कर लेंगे सारी, उसके बाद हम उसको कट करेंगे। देखें इस तरीके से, ये चिपकी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए हटी हुई है, जो चिपकी हुई होगी उसको मैं खोल लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हमने बारीक बारीक काट लेना है इस तरह से। ये मैंने छोटी वाली में लेकर आई हुई थी मैं, तो इसलिए मैं इसको इस तरह काट रही हूँ, वरना इसको ऐसे काटना है। तो बारीक बारीक काट लेंगे इसको। बहुत इजी हो जाएगा ये, आराम से हो जाता है। तो ये देखें कितनी बारीक बारीक हो गई है। तो सारी मैं इसी तरीके से कर लूँगी। तो ये देखें मैंने ये काट ली है, और ये काफ़ी सारी हो गई है कट के, और ये मैंने अभी बचा ली है इतनी। अगर ये इसमें ही पूरा हो गया तो ये वेस्ट नहीं होंगी, तो इसको फिर हम समोसों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी पूरा पैकेट नहीं काटा है। ये देखें अच्छे से जो है इसको अलग अलग मैंने कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून डालूँगी से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से इस तरह से। इससे क्या है ये बिल्कुल भी चिपके नहीं है आपस में, इतने अच्छे से ही हो गई है। तो ये रेडी हो गया है। तो एक एक स्ट्रिप मैं उठाऊंगी, और इसके अंदर हमने अंडा डाला हुआ है तो इसको थोड़ा मिला के उठाएंगे तरह से, और इसमें डाल के हमने इसको अच्छे से इस तरह से दबाना है। अच्छे से दबाते जाएंगे इसको, और उसके बाद इसको हम इस तरह से झाड़ लेंगे। तो ये देखें इस तरह से जो है ये रेडी होती जाएगी। तो इसको मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी। तो ये देखें बाकी की जो मैंने बचा ली थी वो भी मैंने काट ली हैं, क्योंकि ये कम पड़ गई थी थोड़ी, तो इसलिए मैंने इसको भी काट लिया। इसमें भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालूंगी, 1 टेबल स्पून डाला क्योंकि ये थोड़ी कम है, और इसको मिक्स कर लेंगे।
पहले अच्छे से इसको दबा दबा के लगा लेंगे और फिर इसको हम पकड़ के इस तरह झाड़ेंगे तो ये देखेंगे कितनी सारी इस पे से निकल जाएगी, जो एक्सेस है वो निकल जाएगा। ये देखें कितनी छोटी छोटी सी पतली पतली स्ट्रिप्स थी और ये देखें कितनी मोटी मोटी सी हो गई हैं। ये इस तरीके से इसको साइड पर रखते जाएंगे और बाकी की भी बना लेंगे। तो ये देखें सारी जो है रेडी हो गई हैं और ये देखें कितनी सारी बन के तैयार हुई हैं। सिर्फ आधा किलो चिकन के अंदर मैंने ये बनाई है, तो इसको जो है थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी फ्रिज में ताकि इसकी जो हमने कोटिंग लगाई है ये इसके ऊपर सेट हो जाए, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो चिकन थ्रेड्स जो हैं हमारी तलने के लिए रेडी हो गई हैं, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब हम एक इसके सॉस बना लेंगे। तो ऑयल जो है मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो जब तक हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है मेयोनीज 3 टेबल स्पून, हॉट सॉस डालूँगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के जितनी, मस्टर्ड सॉस डालूँगी मैं 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून डालूँगी इसके अंदर मैं केचप, गार्लिक पाउडर डालूँगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून, दो तीन चुटकी के बराबर डाल दिए ब्लैक पेपर और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर लेमन जूस, इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। मज़ेदार सी हमारी सॉस रेडी हो गई है और ऑयल भी जो है हमारा गरम हो गया है। तो सॉस को जो है हम साइड पे कर लेंगे और अब हम करेंगे इसको फ्राई। ऑयल को जो है मैंने गरम कर लिया है, उसका फ्लेम मैंने लो रखा हुआ है और हम इसको डालेंगे। तो मेरी कढ़ाई जो है थोड़ी छोटी है तो मैंने इसके अंदर 3 डाले हैं और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। इसको जो है अब हम पलट देंगे। मैंने एक और डाल दी थी, थोड़ी जगह मुझे लग रही थी। तो ये देखें ज़बरदस्ती ये रेडी हो गए हैं, तो इसको मैं एक एक करके निकाल लूँगी। कितने खूबसूरत ये लग रही है माशाल्लाह। और बाकी भी ऐसे ही सारे ट्राई कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्ती जो है वो हमारी चिकन थ्रेड्स बनके तैयार हो गई हैं और एक मैं आपको दिखाती हूँ उठा के। ये देखें कितनी क्रिस्पी और ये ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। बहुत गर्म हो रही है अभी, तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।